ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं, तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी, तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम, बेशरम घटिया आदमी। नेता नहीं बन के काम चलता है, अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे क्या। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक तरफ यमुना की सफाई है, वहीं दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़ है। दोनों को लेकर लगातार पार्टियां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं और अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में हैं। लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में क्या पार्टियां भूल जा रही हैं कि वो किस व्यक्ति से बात कर रही हैं? आज एक वीडियो सामने आया है जो कि दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा का है। देखिए, यमुना घाट पर जाते हैं वो और कैसे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बात कर रहे हैं, एक बार सुनिए। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रही है, क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो, तुम 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड है। इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है, ये एनएमसीजी के मिले, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगा दे, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्रेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम, बेशरम घटिया आदमी। दिमाग खराब, मैं आया अप्रैल में, ना यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे, उसमें से एक व्यक्ति ने भी परवेश वर्मा से क्या कुछ कहा, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया, 8 साल की मत आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता सर? कोई नहीं आता। आपको नहीं दिखाई सर? मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आ पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चले? नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चले, हम चाहते हैं कि हमारा भी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी को पार्टी केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ हो जाए। केमिकल खतरनाक है। कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा? इससे जाग खत्म हो गया, लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ? चैनलों पर नहीं आ रहा है, भैया पहले ना पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है, अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट बजाय हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तुम ऐसे आना शनिवार को, हम ऐसे आना शनिवार को, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो ना? हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टा। मैं बताऊंगा, पूछो ना। तो सुना आपने ये लहजा, जिस लहजे में दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने दिल्ली के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, जिनका नाम संजय शर्मा बताया जा रहा है, उनसे बात कर रहे हैं, तू तड़ाक के लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं, क्या ये लहजा सही है? जब इस बारे में उससे पूछा कि परवेश वर्मा जी, आपने जिस तरीके से, जिस भाषा में, तू तड़ाक में एक अधिकारी से बात करी है, क्या वो सही था, क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार ये भी सुनिए। आज जब मैं छठ घाट पे पहुंचा तो हम वहां पर कल भी गए थे, और कल हमने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे
तो दिल्ली सरकार के अधिकारी हमको देखकर वहां से भाग गए। वहां पे बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, उसमें बहुत ही केमिकल जहरीला एक वहां पे केमिकल उन्होंने रखा हुआ था जिसको उनको पानी में डालने की तैयारी थी। तो जब आज हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वो वहां पे छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक कल अपना ANI ने एक स्टोरी ब्रेक करी थी कि वहां पे सारे केमिकल के झाग दिखाई दे रहे थे, तो वो उस केमिकल के झाग को दबा रहे हैं। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप एक साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कल जो है छठ का पर्व है, कल हमारे पूर्वांचल के सारी माता बहना आकर यहाँ पे डुबकी लगाएंगी, आप ये केमिकल इतना सारा डाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई मर गया या कोई बीमार हो गया, कोई किसी को स्किन की कोई अपना रोग हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है और हमें काम करना है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा, उन्होंने कहा पानी साफ है इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके पहले सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, उसने डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले आप ही जाके डुबकी लगाइए, उसके बाद में माता बहनों को हम वहां पे डुबकी लगाने की परमिशन दें। तो दिल्ली के 40 लाख हमारी माँ बहनें कल जाकर अपना छठ पर्व मनाएंगी और वो वहां पे डुबकी लगाएंगी, उसमें से कितनी बीमार हो जाएंगी, इसका दोषी कौन होगा? अगर मुझे ये सब वहां पे देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक है मुझे गुस्सा आएगा। अगर मेरी माताओं बहनों को ऐसे गंदे पानी में वहां पे डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अधिकारी कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम है ये केमिकल कितना हानिकारक है। तो देखा आपने दिल्ली में सियासत में कैसा उबाल नजर आ रहा है। निगम चुनाव नजदीक है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप जोरों पर है, एक दूसरे पर जमकर वार किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में एक अधिकारी पर किस तरीके से परवेश वर्मा आज चिल्लाते और तू तड़ाक से बात करते नजर आए, आपने साफ देखा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यही है कि एक सांसद होने के नाते परवेश वर्मा ने जिस तरीके से एक अधिकारी से बात किया है, क्या वो लहजा सही था? क्या वो तू तड़ाक में बात करना सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए Google Play Store पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।